हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज़ सिमरन. सो मे बी मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मेरे थ्रोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मौसम बदल रहा है, इसी में सोने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई गले में. बट ओके, तो वीडियो तो फिल्म करना ही था. आई होप कि सबका रक्षाबंधन अच्छे से गया हो. इन टुडेज वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू. वैसे तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं बट ये भी एक मैंडेटरी वीडियो है विच पीपल रियली नीड एवरी टाइम, विच इज़ डेली वेयर ज्वेलरी. इस बार मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड करने की कोशिश की हैं इन डेली वेयर ज्वेलरी. आई होप कि वो आपको पसंद आए. अदर देन दैट, जो लोग पूछेंगे कि आपने ये आउट कुर्ता कहाँ से लिया, सो दिस इज फ्रॉम अमेजोन, फ्रॉम द ब्रांड एशियन आई थिंक, नहीं ब्रांड दूसरा है. मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, गो चेक इट आउट. ओके, अदर देन दैट आई हैव लाइक फ्यू पीसेस फॉर यू गाइस. इसमें से कुछ झुमके भी हैं, सिंपल इयर रिंग्स भी हैं, मतलब आप इन्हें डेली वेयर में आराम से, बहुत आराम से कैरी कर सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. तो सबसे पहला पीस दैट आई एम गोना बी शोइंग यू इज द वन दैट आई एम वेयरिंग. एक्चुअली मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट झुमका दैट आई हैव. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लाइट वेट झुमके मैंने लिए हैं पिंक और ग्रीन के शेड में. बट इनकी खास बात यह है कि किसी भी कलर के आउटफिट पे आराम से, बहुत ज़्यादा आराम से चल जाते हैं. एंड इसमें नीचे इन्होंने बीड्स दिए हैं, सो दे आर वेरी वेरी लाइट वेट. मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आपको महसूस नहीं होगा कि आपने स्टड्स पहने हुए हैं झुमके. और इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, दे हैव अमेजिंग क्वालिटी. एंड स्पेशली मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसका वर्क देखो, कितना ज़्यादा प्यारा है. दे लुक्स वेरी डेलिकेट येट, मतलब पूरा आपको ट्रेडिशनल वाला वाइब भी देते हैं. एंड दे आर सो लाइट वेट कि आराम से आप इन्हें डेली वेयर ऑफिस में, कॉलेज में पहन कर जा सकते हो. किसी भी कुर्ते वगैरह पे ये बहुत अच्छा लुक देने वाले हैं. दे लुक स्टनिंग व्हेन यू वेयर देम. और क्वालिटी अच्छी है इनकी, सो आई रियली लाइक दीज. एंड देज एंड देवर लाइक प्रिटी अफोर्डेबल. जितनी भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ सब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं. सो यू आर गोइंग टू लव ऑल ऑफ दीज. एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे. आप आराम से इन्हें डेली वेयर में कैरी कर सकते हो. एंड दीज कुड ऑल्सो बी मोर्न ऑन लाइक फेस्टिवल्स. अगर आपको कुछ हैवी पहना है, आपने कुछ लाइट लाइट झुमके पहने, कुछ लड़की होती है जो सिर्फ झुमके पहनती हैं जनरली, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. नेक्स्ट वन आर अगेन इयर रिंग्स. और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे. दीज आर दीज डेलिकेट ट्रेंट इयर रिंग्स विच आई रियली रियली लाइक. तो ये कुछ इस टाइप के इयर रिंग्स हैं. आप खुद देखो, आपको बहुत पसंद आएंगे. दे लुक सुपर प्रिटी. लुक हाउ गॉर्जियस दीज इयर रिंग्स आर लुकिंग. मतलब मैंने जितनी बार ये पहने हैं ना, ये एकदम अलग से मेरे ऊपर दिखाई देते हैं. दे लुक्स वेरी क्यूट, लाइट वेट, और बहुत अच्छा डिज़ाइन है इनका. सो ये देखने में लगते हैं थोड़े हैवी होंगे स्टोन्स की वजह से, बट बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं और किसी भी आउटफिट पे चल जाते हैं. आप चाहे ना वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहन लो, इंडियन पे पहन लो, सबको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे. और स्पेशली इन्होंने बीच में जो राइनस्टोन का डिज़ाइन दिया है ना इकट्ठे करके, ये मुझे बहुत प्यारा लगा. और जो बड़े वाला इसमें पिंक राइनस्टोन है, वो इनको और इन्हांस कर रहा है. तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं पहनने के बाद, और एक क्लासी सोफेस्टिकेटेड फीलिंग आता है. यू शुड डेफिनेटली गिव दीज अ शॉट. और बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको ट्राई करना चाहिए. अनदर वन इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड नीलूज कलेक्शन. मैंने तो पहली बार ही ट्राई किया है इसका कुछ भी. पैकिंग तो अच्छी आई है इसकी. लेट्स सी. ओके, सो आई हैव दिस ब्यूटीफुल पेयर ऑफ इयरिंग्स दैट आई वॉन्टेड, क्योंकि मुझे ये ड्रॉप वाले इयरिंग्स काफ़ी पसंद हैं. और ये एक ऐसा पेयर है जो कि आप इंडियन वेस्टर्न दोनों पर पहन सकते हो और किसी भी ओकेजन पर कैरी कर सकते हो. तो ये कुछ इस तरीके के लगते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके के ड्रॉप में जो पर्ल इयरिंग्स आते हैं. डिज़ाइन काफ़ी कम देखने को मिलता है बट आई एब्सोल्युटली लव दीज. और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपकी ड्रेसेस वगैरह पे भी. आप इन्हें कॉर्पोरेट ऑफिस में भी किसी भी शर्ट वगैरह के साथ पहन सकते हो. दे गिव्स यू वेरी क्लीन टाइडी लुक विच आई रियली रियली लाइक. एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, तो क्वालिटी इनकी अच्छी दी है इन्होंने. मेरे एक बार ड्रॉप वाले इयरिंग्स मंगाए थे बट वो टूट गए क्योंकि उनमें सिर्फ एक बीच में थ्रेड जैसा कुछ अटैच था. बट इनकी क्वालिटी सच में अच्छी है, सो दे आर गोइंग to last longer than those. और इन लोगों ने साथ में ना मुझे ये रबर बैंड भी फ्री दिया है, विच इज वेरी क्यूट. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. नेक्स्ट पीस इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड जूल्स गैलेक्सी. इनका तो खैर मैंने बहुत कुछ बहुत पहले से ट्राई करा हुआ है. सो ये मैंने कुछ डिफरेंट सी चीज ऑर्डर की है. लेट मी जस्ट शो यू गाइज. सो इसमें कुछ आई है ये इयर पिंस. तो ये काफी डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है मेरे लिए. ये जो इसमें आपको 5 लगभग ये पेयर मिलते हैं, और अगर आपके कान नहीं छिदे हुए तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज दीज आर लाइक दिस. बहुत ही बेसिक से डिजाइन दिए हैं इसमें लोगों ने. और सिंपली आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऐसे करके और अपने कान पे यहाँ पर पहनना है. लेट्स जस्ट चेक. सो जिनके कान छिदे हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई वॉन्टेड दैट लुक. समटाइम्स मुझे बहुत मन करता है बट मैंने ऊपर से कान नहीं छिदवाए हुए तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है पियर्सिंग. और मैं करवाना भी नहीं चाहती खैर इतनी पियर्सिंग, क्योंकि दर्द होता है यार, मैं इतना नहीं झेल सकती. बट ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा. तो इसमें लगभग मुझे 5 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन मिल रहे हैं. मुझे ये वाला भी बहुत सही लग रहा है. ये बहुत क्यूट है, इसको ट्राई करके देखते हैं. सबसे अच्छी बात है दे आर सो मच ईजी टू वेयर. मतलब आप इन्हें आराम से ऐसे टैक इन करो एंड यू आर गुड टू गो. तो ये कुछ ऐसा लगेगा कान में पहनने के बाद.
काफ़ी क्यूट लग रहा है और बिना पियर्सिंग कराए आपको ऐसा कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बिकॉज दीज आर फ्रॉम जूल्स गैलेक्सी, तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है एंड आई रियली लाइक देयर स्टफ. तो ये मुझे कुछ डिफरेंट सा लगा. डेफिनेटली मैं और बहुत सारे आने वाले लुक्स में इनको कैरी करूँगी बिकॉज मेरा लुक एकदम से चेंज हो जाएगा बिकॉज आई एम सो बोर्ड ऑफ जस्ट वेयरिंग सिंपल इयरिंग्स. तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. और वो जो लड़कियाँ होती हैं ना जिन्हें फंकी फंकी चीज़ें पसंद होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं, दे वॉन्ट टू ट्राई दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो यू कैन जस्ट डेफिनेटली गो फॉर दिस, काफ़ी अफोर्डेबल भी था, क्वालिटी अच्छी है. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड फैशन डीवा, शाइनिंग डीवा सॉरी. सो ये बहुत ही बेसिक से इयररिंग्स हैं. दीज आर सो परफेक्ट फॉर एनी बॉडी, मतलब इन्हें कोई भी एज ग्रुप का बंदा पहन सकता है एंड दीज आर लाइक वेरी डेलिकेट सिंपल एलिगेंट इयररिंग्स. तो इनकी पैकिंग काफी अच्छी खासी आई है, डबल पॉलिथिन में पैक करके दिया है. लेट्स चेक दीज आउट. ओके सो दीज आर दीज स्टनिंग लिटिल हूप्स दैट आई रियली रियली लाइक. लुक हाउ गॉर्जियस दे आर, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं. बहुत छोटे छोटे हैं, राइनस्टोन इनमें फ्रंट में दिया गया है और कान में पहन के बहुत ज़्यादा मिनिमल लगते हैं और बहुत सोफेस्टिकेटेड और क्लीन लुक देते हैं. जैसे स्कूल गर्ल्स हो गई, ट्यूशन वगैरह आप जाते हो ये पहन सकते हो क्योंकि आजकल गोल्ड बहुत कम बच्चे कैरी करते हैं. इनको खोलना भी काफ़ी आसान है और आप आराम से इनको पहनकर बंद भी कर सकते हो. तो दे आर सो मच ईजी टू यूज़ एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा डिज़ाइन, रोज गोल्ड टच में है. दिस इज सो परफेक्ट फॉर कॉलेज ऑफिस, जहाँ पे भी आपको पसंद है लाइट वेट पहनना ये वाले आप पहन सकते हो. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड अर्जुनाई ज्वेलरी. मैंने पहले भी इनकी ज्वेलरी ट्राई की है. सो आई हैव दिस गॉर्जियस चेन फ्रॉम देम. ये कोई इयर रिंग नहीं है, मतलब मुझे एक ऐसा डेंटी सा चेन चाहिए था फॉर लाइक सिंपल टॉप एंड शर्ट्स, तो मैंने ये मंगाया. इट्स अ वेरी बेसिक वन, सिंपल चेन है इस तरीके की और नीचे इसमें बहुत ही बेसिक सा पेंडेंट दिया गया है. काफ़ी लाइट वेट है, आपको फील भी नहीं होगा पहन के, बट इस तरीके की जो चेन्स है ना शर्ट पे कभी कभी गला खाली लगता है, तब आप पहन सकते हो. टी शर्ट्स पे तो आप इसे कैरी कर ही सकते हो, टॉप्स पे पहन सकते हो, मतलब जिस भी चीज़ पे चाहो आप इसे पहन सकते हो. ड्रेसेस वगैरह पे भी अच्छा लगता है. कभी कभी यू नो गले में कुछ ऐसी चेन आती है तो बहुत यू नो फैंसी, थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड सा लुक देती है. सो आई रियली लाइक दीज डेंटी चेन्स और इसकी क्वालिटी अच्छी है. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट. इस तरीके की आप कोई लेयर में चेन भी ले सकते हो, जो डबल लेयरिंग में आती है वो भी अच्छी लगती है. सो मेरे पास एक ये बहुत ही सारे फंकी इयररिंग्स हैं विच आई रियली लव और मुझे बहुत पसंद आई. लेट मी जस्ट शो यू गाइस. सो ये कुछ इस टाइप के हैं, ये पूरा सेट आया है इयररिंग्स का. ऊपर इसमें स्टड दिए गए हैं बिल्कुल प्लेन और ये भी काफ़ी अच्छे स्टड्स हैं, इजीली आप इन्हें पहन सकते हो. और नीचे इसमें ये वाले इयररिंग्स दिए गए हैं, ये गोल्डन वाले अप्रोप्रिएट हैं फॉर पार्टीज, क्लबिंग्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए. और ये वाइट वाले आप डेली वेयर में, येलो वाले भी डेली वेयर में पहन सकते हो. दे जस्ट एड अ पॉप ऑफ कलर द येलो वन और व्हाइट वाले भी यू नो काफ़ी एक्सप्रेसिव और लाउड लगते हैं. सो आई रियली लाइक दिस. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, आपको कौन से टाइप के इयररिंग्स पसंद है. बट इसमें स्टड्स भी हैं और बड़े वाले भी, और बड़े वाले तो मेरे फेवरेट है. आई एब्सोल्युटली लव दीज. क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. और साइज़ भी मैंने सोचा था थोड़ा छोटा आएगा बट अच्छा खासा साइज़ आया और पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये येलो वाले पहने थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे. आई लव दीज. मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ इन कमिंग टाइम और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू. थोड़े से फंकी हैं बट दे आर लाइक यूनिक एंड डिफरेंट. मैंने एक और ऑर्डर किया था, दिस इज़ फ्रॉम तारा क्रिएशंस और ये थोड़े डिफरेंट से इयररिंग्स हैं. मैं ऐसे इयररिंग्स जनरली पहनती नहीं हूँ. सो आई बॉट दीज बटरफ्लाई इयररिंग्स दिस टाइम फॉर बेसिक टॉप्स. मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कलर ऐड करने के लिए, एक लाइवलीनेस ऐड करने के लिए आपके आउटफिट में, किसी बेसिक में आप ये ऐड कर सकते हो और अच्छा लगेगा. सो दीज आर वेरी वेरी बेसिक इयररिंग्स, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं. बटरफ्लाई बनी हुई है, बहुत सिंपल से, बेसिक से और अफोर्डेबल रेंज के इयररिंग्स हैं. मुझे अच्छे लगे, बहुत लाइट वेट भी हैं, आराम से ऐसे डालो एंड यू आर गुड टू गो. लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट, शायद ये अच्छा लगे पहनने के बाद, बिकॉज मुझे लग रहा था कि इसमें से कुछ अच्छा लुक निकल के आ सकता है. सो आई बॉट दीज. मुझे लगता है कि ये वाइट किसी शर्ट और टी शर्ट, वाइट टी शर्ट पर स्पेशली बहुत प्यारे लगेंगे विद अ सिंपल नेकलेस, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया. और बहुत ही फंकी सा, क्यूट सा एंड यू नो बेफिक्र वाला लुक आ रहा है. कान में पहन के मुझे महसूस नहीं हो रही कि मैंने कुछ इयररिंग्स पहने हुए, इतने ज़्यादा लाइट वेट है, इनसे भी ज़्यादा लाइट वेट है. लास्ट चीज़ जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इज दिस फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड यू बेला एंड दीज आर रिंग्स एक्चुअली. सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दीज आउट. इसके अंदर बहुत सारे रिंग्स आए हैं. तो ये 6 रिंग्स का सेट है और आई एब्सोल्यूटली लव द कलर. मतलब कुछ फंकी जो रिंग्स थी मुझे चाहिए थी. सो लेट्स ट्राई दीज आउट. सबसे पहली जो आई है वो ये हार्ट वाली है, ग्रीन कलर की. दिस इज़ द सेकेंड वन विद द स्नेक ऑन इट. मतलब मुझे कलर काफ़ी फैंटासाइज कर रहा था ये वाला ग्रीन, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट वन. सो आई जस्ट बॉट दीज. और ये बैंड स्टाइल में इसमें तीन हार्ट्स बने हुए हैं एंड ये कुछ इस टाइप का 1999 इज रिटन ओवर हियर रोज गोल्ड में. इट हैज़ दिस ग्रीन हार्ट जिसमें डबल कलर दिया है इन्होंने. ओके सो लास्ट वन भी सिमिलर है, इसमें भी हार्ट ही बना के दिया है. सो लेट्स ट्राई दिस आउट कि कैसी लगती है. बाकी दे आर वेरी स्टर्डी हैवी रिंग्स, मुझे लगा नहीं था ऐसी क्वालिटी आएगी बट दे आर ऑफ रियली रियली गुड क्वालिटी. पहन कर देखती हूँ कैसी लग रही हैं. तो इनकी जो साइज़ हैं वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स साइज रिंग्स हैं. तो
जिस उंगली में जो बैठ जाए वही पहन सकते हो आप. तो मैंने सारी उंगलियों में पहन लिए और काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन लग रहे हैं मुझे तो. सो आप डिफरेंटली अपने हिसाब से इनको स्टाइल कर सकते हैं. मैं अभी सिर्फ आपको एक दिखाने के पर्पज से सारी उंगलियों में इस तरीके से पहन के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो रिंग्स नहीं पहनने वाली हूँ डेफिनेटली, बट ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं डिजाइन मुझे. स्पेशली आई लव द कलर, द वाइब इज़ वेरी नाइस. इनमें से आप एक दो करके अपनी वॉच के साथ पेयर करके पहन सकते हो, बहुत अच्छा लुक आने वाला है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगाओ. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ. अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट मंथ.